Hey guys, बेटो आर्मी here. जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिल से सॉरी. मेरे को ऐसा सच में लगा था कि वो बनी बंडल वाला जो रिडीम कोड है वो रियल है, क्योंकि एक बार जब मैंने रिडीम करा तो गाइज वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करके लिख दिया था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी. बट गाइज बाद में वो रिडीम कोड से रिडीम नहीं हो पा रहा था. सो प्लीज यार सॉरी लिटरली. तो गाइज जब फाइनली अपने टॉपिक पे आते हैं, तो मैं चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर पे रीजन में 600 नंबर पे एंड मेरा स्कोर 17,000 हो चुका है. एंड गाइज ये तो आपको भी पता है कि तुम्हारा वाई सीजन कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा है. एंड अगर आप लोग भी सोलो में ही रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. कि गाइस आज की वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाला है बाइक ग्लिच, जिस ग्लिच को अभी ग्लोबल टॉप 10 प्लेयर यूज कर रहा है. लिटरली यार आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ना आपको, अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो 100% कंफर्मेशन के साथ बोलता हूँ कि आप 10 में से 9 गेम तो इजिली बुया कर लोगे. गाइस अगर आप लोग प्लेटिनम या फिर डायमंड पे फंसे हुए हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. चलो गाइस बिना लेट किए इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से मैच स्टार्ट करते हैं एंड स्ट्रेटजीज बताते हैं कि खेलना कैसे. एंड गाइस जब तक मैच स्टार्ट होता है मैं आपको कैरेक्टर बता दूं, तो कैरेक्टर में आपको लेना है मीसा, मैक्सिम के एंड हयाटो. एंड देन फिर गाइस पेट में आपको वॉल पेट लेने के बाद मैच को स्टार्ट कर देना है. एंड गाइस जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं. एंड गाइस ये लॉबी देख लो आप लोग, 17,000 की लॉबी एंड कितनी हार्ड लॉबी आई है. बट गाइस आप लोगों को लॉबी से टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस आपका अगर लैंडिंग परफेक्ट होता है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोकेगा गेम को बुया करने से. तो गाइस फाइनली हम लोग प्लेन में आ जाते हैं एंड देन आती है वो मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करना है. एंड गाइस इस मैच का लैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गाइस मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप उस टावर पे लैंड कर सकते हो जो टावर चाबी से ओपन होता है, तो बिना सोचे समझे गाइस उस टावर के ऊपर लैंड कर जाना. यहाँ पे देख लो गाइस प्लेन के जस्ट नीचे एक टावर दिखता है, मैं बिना सोचे समझे गाइस यहाँ पे लैंड कर जाता हूँ. ये प्लेन के एंड में भी नहीं होता, प्लेन के सेंटर में होता है. बट उससे टेंशन लेने की बात नहीं गाइस, जैसे ही आप लैंडिंग करते हो ना तो आपकी लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे देखो डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ 2-3 बंदे और लैंड कर रहे होते हैं. गाइस अगर आप लैंड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पहले इस टावर के ऊपर कोई भी बंदा लैंड नहीं कर सकता है. जैसे कि गाइस मेरे को ऊपर से ही टावर पे एक गन दिख रहा था फेमस, यहाँ पे देख लो गाइस कि मेरे से जस्ट ऊपर एक बंदा लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट उससे पहले मैं लैंड करता हूँ. उसके बाद मैं पहले तो इसको डैमेज देता हूँ, फिर अब ये ऊपर भाग के जाएगा किधर, नीचे कूदेगा तब तो वैसे भी मारा जाएगा. तो ऊपर जाने के बाद इसको रुकना ही पड़ता है, फाइनली मैं इसको फिनिश कर देता हूँ. नॉर्मली गाइस कुछ इसी टाइप से आपको भी टावर के ऊपर लैंड करना है. अगर कोई बंदा आपके ऊपर आता है देन फिर आपको उसको मार देना, क्योंकि आपकी लैंडिंग सटीक होगी तो गन आपको ही मिलेगा. गाइस अगर कोई बंदा नहीं आता तो नॉर्मली आपको जिस भी टावर पे लैंड किया उस टावर पे आपको चुपचाप बैठे रहना जब तक कि फर्स्ट जोन श्रिंक ना करने लगे. एंड फाइनली देख लो गाइस कि यहाँ पे वो फर्स्ट जोन श्रिंक करने वाला है, देन फिर आपको करना कुछ नहीं है, जोन के अंदर नहीं जोन के बाहर जाना लूट करने के लिए गाइस याद रखना, क्योंकि आपको सिर्फ एक शॉर्ट रेंज का गन चाहिए. अगर गाइस आपको एक शॉर्ट रेंज का गन मिल जाता तो फिर आपको करना कुछ नहीं, नॉर्मली बाइक या फिर लैम्बोर्गिनी ढूंढना एंड पूरे मैच में गाड़ी को घुमाना है. कोई भी बंदा आपको नहीं मार पाएगा इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था ये बाइक ग्लिच वाला वीडियो है. इसी कारण से गाइस अब मैं दौड़ते दौड़ते जोन के बाहर लूट करने जाता हूँ, क्योंकि जोन के बाहर आपको एक भी बंदा देखने को नहीं मिलेगा. बट गाइस मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को एक गाड़ी वाला बंदा दिखता है, वो मेरे को डैमेज देने लगता है. फिर मैं सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आने के बाद कवर में आता हूँ एंड यहाँ पे देख लेता हूँ किस बंदे के पास गाड़ी है. एंड गाइस अगर वो बंदा गाड़ी लेकर मेरे पास आएगा ना तो आपको करना कुछ नहीं, अगर आपके पास लूट नहीं है तो नॉर्मली वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरेगा आपको गाड़ी पे बैठना एंड गाड़ी लेके भाग जाएगा. गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप गाड़ी पे बैठने के बाद गाड़ी को चलाओगे तो आपको कोई भी बंदा नहीं मार पाएगा, बस सेम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आपको भी अपने मैच को स्टार्ट करना है. एंड फाइनली गाइस देख लो कि मैं यहाँ पे फर्स्ट जोन के बाहर लूट करने आ चुका हूं. लिटरली गाइस लूट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, नॉर्मली एक शॉर्ट रेंज का गन होना चाहिए, वेस्ट एंड हेलमेट हो जाना चाहिए. एंड फाइनली देख लो गाइस कि लूट करते करते मेरे को शॉर्ट रेंज का गन अभी तक नहीं मिलता है. एंड यहाँ पे देख लो कि फर्स्ट जोन भी रुक चुका है, मेरे पास मेडिकेट भी जीरो है एंड मेरे पास कोई भी गाड़ी वाला कैरेक्टर भी नहीं है जिससे कि मेरा हेल्थ बढ़े. मतलब समझ रहे हो ना गाइस कि जोन के बाहर मैं बुरे तरीके से फंस जाऊंगा, बट एक कैरेक्टर है वही है के कैरेक्टर. एंड फाइनली गाइस लूट करते करते अब सेकंड जोन भी श्रिंक करने लगता, बट मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि देख लो गाइस कि अब थर्ड जोन रुकने वाला, बट मेरे को यहाँ पे शॉर्ट रेंज गन मिल जाता है एंड वो है MP40. उसके बाद मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लगा रहा था तो लैम्बोर्गिनी लेता हूं एंड अब जोन में आपको जाना है. एंड ऐसे सिचुएशन में ना गाइस आपको कोशिश करना बाइक ढूंढने का, अगर आप बाइक ढूंढ लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं मार पाएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं. एंड फाइनली देख लो गाइस कि अब थर्ड जोन भी रुक जाता है, मेरी HP बहुत ज्यादा घट रही होती तो फिर मैं नीचे उतरता हूं, HP मोड को ऑन करने के बाद डायरेक्टली जोन के अंदर जाने लगता हूं, क्योंकि गाइस मेरे पास कोई भी जोन सर्वाइव वाला कैरेक्टर नहीं होता है. फाइनली गाइस देख लो कि मैं जोन के अंदर आ जाता हूं एंड अब आपको पता लगेगा कि कोई भी बंदा मेरे को मार पाता है या नहीं मार पाता, क्योंकि गाइस बंदा कहीं पे भी दिखे आपको चुपचाप गाड़ी चलाना, किसी घर में कवर लेने से अच्छा है कि गाड़ी में कवर लेके रहो. एंड मैं इसी ट्रिक को यूज करके गाइस अभी ग्रैंड मास्टर पे 600 नंबर पे चल रहा हूं एंड गाइस कंटिन्यू मेरे को पुश करने का टाइम भी नहीं मिलता एंड बहुत बंदे तो डबल प्लस ग्लिच भी यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारा भाई अभी रीजन में बैठा रहता. एंड फाइनली देख लो गाइस कि तुम्हारे भाई को बाइक मिल जाती है. बाइक मिलने के बाद गाइस अब जादू देखना कि मैं कैसे
बंदे को ठोक ठोक कर मारूंगा, बट कोई भी बंदा लिटरली यार मेरे को नहीं मार पाएगा। एंड सामने की साइड ना यहाँ पे ड्रॉप होता है, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी छोड़ने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप से कुछ वेस्ट वगैरह लूट लेता हूँ। तो मैं जैसे ही वेस्ट देता हूँ गाइस, समझ रहे ना, मतलब यहाँ से खिड़की से बंदा मेरे को मारने लगता है। बट गाइस जैसे मैं गाड़ी पे बैठ जाता हूँ, देखो वो बंदा मेरे को मार रहा है, बट मेरे को एक भी गोली नहीं, क्योंकि गाइस इन लोगों के सामने तो आपको नहीं भगवान है। एंड फाइनली देख लो गाइस यहाँ पे जोन स्ट्रिंग करने लगता है। मैं जोन के बाहर से जैसे ही गाड़ी को गुजारता हूँ यार, यहाँ पे लिटरली दो तीन बंदे मेरे को अचानक से दिख जाता है, बट यार एक बंदा भी मैं नहीं ठोक पाता हूँ यहाँ पे। ये देख लो गाइस ये लोग मतलब कितनी ज्यादा गोलियां मेरे ऊपर फायर करेंगे, बट किसी का एक गोली भी मेरे को टच तक नहीं होता है। गाइस आपका ये ग्लिच तभी वर्क करेगा जब ये सारा कैरेक्टर आपका मैक्स लेवल का होगा, जैसे कि मिसा कैरेक्टर हो गया, के कैरेक्टर हो गया, हयाटो अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट मैक्सिम ले लेना क्योंकि मेडिकेट फास्ट यूज करता है। एंड यहाँ पे गाइस देखो सामने की साइड बंदा ना वॉल डाल के रखता है, फिर मैं इसको क्या करता हूँ डायरेक्टली ठोक ही देता हूँ, 34 का डैमेज मिलता है। एंड इस बंदे को गाइस दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करके जोन के बाहर ही फिनिश कर देता है। एंड उसके बाद गाइस मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दूर आगे गाड़ी को ले जाता हूँ, तो इस बंदा को ठोकने की कोशिश करता हूँ, बट भाई यार इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है यार, कैसे बच जाता, मतलब एकदम हल्का सा से बच जाता है, मेरे को किल भी नहीं मिलता है। एंड तुम्हारा भाई गाइस यहाँ पे फिर से गाड़ी घुमाने के बाद उसको ठोकने की कोशिश करता है। लिटरली गाइस इस बार तो मैं ठोकने में सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ, 200 कुछ का डैमेज भी मिलता है, बट यार मेरे को किल ही नहीं मिलता उसका। एंड उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे बंदा ना वुकोंग बना होता है, लिटरली गाइस वुकोंग को ही मैं ठोक देता हूँ, 244 का डैमेज मिलता है, बंदा सीधा घर के अंदर ही घुस जाता है, बट यार मेरे को किल क्यों नहीं मिलता है। भाई वो भी सोच रहा था कि मेरे को वुकोंग में भी नहीं छोड़ा, मतलब यार कितना दानव वाला काम किया मैंने लिटरली। एंड गाइस जब फाइनली मेरा पोजीशन अब टॉप 4 हो चुका था, एंड इसके बाद मैं एक किल कर लेता हूँ और एक बंदे को ठोक करके, तो अब पोजीशन टॉप 3 हो चुका है, एंड मेरा किल भी 2 हो चुका है। तो गाइस कम से कम 3-4 किल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो आप तो इजीली कर लोगे एंड ठोक ठोक के या बंदे को डैमेज निकाल लोगे। एंड गाइस डोंट वरी, मैं आपको भी बुया करके भी दिखाऊंगा कि आपको अपने गेम को बुया कैसे करना है, बट उससे पहले गाइस जब तक कि टॉप 2 ना हो जाए तब तक आपको अपने गाड़ी को नहीं छोड़ना। फाइनली गाइस जब सेकंड लास्ट जोन बन चुका है, उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे आगे जाता हूँ तो मेरे को एक बंदा दिख जाता है, उसको भी मैं ठोक देता हूँ, फिर बंदे का किल भी मेरे को मिल जाता है, फाइनली मेरा पोजीशन टॉप 2 हो चुका है। एंड अब तुम्हारा भाई गाड़ी से भी नीचे उतर चुका है। एंड उसके बाद ना गाइस अब बचता है लास्ट वाला बंदा, इस लास्ट वाले बंदे को एकदम ओपी तरीके से मारना मेरे को, क्योंकि गाइस जैसे बंदा मेरे ऊपर नेट करने की कोशिश करता है ना, उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टली उसके ऊपर जाता हूँ रश करने। ये तो आपको भी पता गाइस कि मेरा शॉर्ट रेंज का फाइट इतना अच्छा है कि मैं जल्दी किसी को मार ही नहीं पाता हूँ, बट गाइस इस बंदे को तो सबसे पहले पूरी SMG उतारता हूँ, उसके बाद मेरे पास M60 आता है, M60 को मार के फिनिश कर देता हूँ, मेरा हो जाता है बूया। तो गाइस फाइनली देख लो आप लोग कि मेरे को कितना प्लस मिलता है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।